नमस्कार दोस्तों, आप लोग खड़े हैं गिलौला के सेंट्रल लाइब्रेरी में। और सेंट्रल लाइब्रेरी का आप लोग व्यू देख लीजिए कि इसका उद्घाटन हो चुका है। और आप लोग यहां पर जो है सेल्फ स्टडी के लिए यहां पर पहुंचेंगे तो आपको उचित व्यवस्था, लाइट के साथ वाईफाई, कुर्सी, चेयर और आपके लिए अलग अलग जो है टेबल की व्यवस्था कर दी गई है। और इस व्यवस्था के साथ आप लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो गिलौला में पेट्रोल पंप के पास जो हीरो एजेंसी है उसके ऊपर आप लोग यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए पहुंच सकते हैं। हम लोग इसके बारे में, व्यवस्था के बारे में थोड़ा आपको मिलवा दे रहे हैं कि इसकी क्या व्यवस्था रहेगी, कौन इसको संचालित करेगा। और क्यों, देखिए ये हाल रहेगा आपके लिए और इसी हाल में आप लोग यहाँ पर बैठकर पढ़ने के लिए जो है कभी भी आइए, क्योंकि 24/7 खुला रहेगा। और इस तरीके से जब भी आएगा आपको यहाँ पर एक रिसेप्शन कोई ना कोई मिलेगा जरूर, वो आपको बात बताएगा पूरी इसकी यहाँ की और क्या व्यवस्था है उसके बारे में बताएगा। और आप लोग आखिर खुद देखिए कि क्या व्यवस्था है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है और क्या। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपके लाइब्रेरी का? हमारे लाइब्रेरी का नाम है भैया श्रावस्ती सेंट्रल लाइब्रेरी। श्रावस्ती सेंट्रल लाइब्रेरी जी। श्रावस्ती सेंट्रल लाइब्रेरी आपकी कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है? ये लोकेशन है, आप आइए सीधा तिकोना की तरफ से आएंगे तो पेट्रोल पेट्रोल पंप के बगल आएंगे आप, उसके बाद थोड़ी आगे जाएंगे तो हीरो एजेंसी मिलेगी, हीरो एजेंसी के ऊपर। हीरो एजेंसी के ऊपर है आपका? अच्छा, कितने सीट की व्यवस्था आप लोगों ने किया लगभग? 54 सीट्स हैं। अच्छा, बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलेगी, मतलब बैठने की व्यवस्था के साथ साथ और क्या सुविधा है? बैठने की व्यवस्था है, अच्छे से पानी की व्यवस्था है, वाईफाई की व्यवस्था है, इसमें देखा वातावरण है, व्यवस्था है। अच्छा, अनलिमिटेड डाटा आप यूज करिए, वाईफाई लगी। अच्छा, तो इसका उद्घाटन आपका हो चुका है? हाँ, हमारा उद्घाटन आज हो चुका है। अच्छा, उद्घाटन हो चुका है तो कब से बच्चे यहाँ पर आए? बच्चे अब कल से आ सकते हैं। बच्चे कल से मतलब सोमवार के दिन से? सोमवार के दिन से बच्चे आए। दीपावली की छुट्टी आप लोग की हो चुकी है, दीपावली के बाद आप लोगों ने उद्घाटन किया है। तो गिलौला में आखिर में क्यों रखा गया है, कि ताकि किस लिए गिलौला में आप लोगों ने किया है? हम लोग इसलिए गिलौला में रखे क्योंकि इकोना में खुल चुकी थी लाइब्रेरी, और यहाँ गिलौला में इसलिए रखेंगे बच्चे आए पढ़ें, अपना भविष्य उज्ज्वल करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गिलौला का आप लाइब्रेरी देख सकते हैं और यहाँ पर कभी भी आप लोग आ सकते हैं 24/7 ना भैया? यस, 24/7। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।